नमस्कार दोस्तों, आज मेरे साथ खास मेहमान हैं गिरीश थापर जी। नमस्कार गिरीश थापर जी, स्वागत है आपका मेरे चैनल नमस्कार। पे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका बहन जी। थापर जी, कोरोना की दूसरी लहर से लगे लॉकडाउन के कारण काफी सारे टीवी सीरियल्स जो है उनकी शूटिंग बंद पड़ी है, और कुछ सीरियल्स नए एपिसोड शुरू करने के लिए गोवा गए थे, गुजरात गए थे, हैदराबाद, और उन्होंने यूपी की तरफ भी रुख किया है। लेकिन इन सब के बीच गोवा में काफी इस समय कोरोना के केसेस अचानक से हो गए हैं और वहां पे उनकी शूटिंग रोक दी गई है, और 11 ऐसे टीवी सीरियल है जो संकट में घिर गए हैं। और मुझे यहाँ तक याद पड़ रहा है, कुमकुम भाग्य में तो आप भी रहे हैं, जी कई जी बार आपने इसमें एंट्री हुई है। कुंडली जी, भाग्य कुंडली जी, जी। और बहुत सारे ऐसे सीरियल हैं जिनकी बहुत अच्छी टीआरपी है, और उन्हें मतलब लोकेशन खोजनी पड़ रही है। और मुंबई में पिछले 3 हफ्ते से आप समझ रहे हैं कि शूटिंग बंद है, आप कल ही वहां से लौटे हैं। इस वजह से जी टीवी चैनल्स अपनी टीआरपी वाले जो उनके टीवी शोज हैं उनकी जी शूटिंग उन्होंने शिफ्ट कर दी है मुंबई से बाहर, और फ्रेश जी कंटेंट में ही टीआरपी मिलती है, जाहिर सी बात है। पुराने एपिसोड अगर वो चलाएं तो उनको कुछ आमदनी नहीं होगी, कोई एड रेवेन्यू नहीं होगा। तो आप कल जी ही वहां से लौटे हैं, क्या है पूरा सीन? सीन ये है कि जिस हिसाब से महाराष्ट्र के अंदर कोरोना के केसेस बढ़ रहे थे, उसको देखते हुए वहां के मुख्यमंत्री जी ने एक निर्णय लिया कि भी सब चीज लॉकडाउन में रहें। तो उसमें जिम था, मॉल थे और बाकी मार्केट्स थी। एसेंशियल सर्विस को छोड़कर बाकी चीजें उन्होंने बंद की। पहले की थी उन्होंने सिर्फ 30 अप्रैल तक, क्योंकि 15 अप्रैल से ये सब बंद हो गया था। लास्ट शूटिंग मेरी 15 में थी, लेकिन वो जी 15 से शिफ्ट होकर 14 में आ गई थी। तो 15 से 30 तक था, तो लग रहा था कि 15 दिन ये लोग, चलो हम लोग 15 दिन रुक जाते हैं फिर काम शुरू होगा। उसमें शूटिंग भी प्रभावित हुई। तो जब वो 15 दिन बाद भी शूटिंग अब 15 मई तक बंद कर दी उन लोगों ने, पहले 30 अप्रैल तक थी, अभी 15 मई तक, तो लगा कि वहां रुकने का कोई फायदा नहीं है और अकेले रहने का भी कोई जी फायदा नहीं है। तो मैं अपने घर आ गया। और बाकी इस दौरान कुछ शूटिंग बड़े बड़े शोज की, जिसमें 3 से 4 शो अब हमारे यूपी आगरा में चल रहे हैं, कुछ दमन में हैं, कुछ हाँ थापर जी, उनके कुछ नाम भी बताइए जिनकी शूट हाँ आउट ऑफ मुंबई चल रही है। आउट ऑफ मुंबई में जो अभी इस वक्त जो आगरा में जो मुझे मालूम चला है, वो चल रहे हैं शक्ति, ससुराल ओके, सिमर का, ससुराल सिमर का, हाँ और एक और बड़ा शो है रश्मि शर्मा प्रोडक्शंस का। तो वो आगरा में चल रहे हैं, दमन में चल रहे हैं, कुंडली भाग्य हमारा जो चला गया, शिफ्ट हो गया गोवा में। अब उसमें क्या है कि जो शिफ्ट हुए हैं शो, उसमें बाकी लोगों को वो जो सपोर्टिंग कास्ट थी उनको कम करके जो मेन मेन कास्ट है उनके साथ ही हाँ, वो कम मेरा क्रू मेरा पे। दरअसल अगला सवाल भी यही था कि काफी कम जो है क्रूज में जी शूटिंग की जा रही है, तो जी जी ये जी सब जी कैसे जी मैनेज जी कर रहे होंगे? वो क्या है कि उसी हिसाब से ही प्रोड्यूसर साहिबा या प्रोड्यूसर साहब कहानी लिखवाते हैं कि कहानी में इंटरेस्ट भी कम ना हो, लोगों में मजा भी आता रहे और क्रू भी कम हो। कम मतलब कम आर्टिस्ट वाला सीन लिखा जाए, इसमें 2 या 3 आर्टिस्ट मेन मेन हो और बाकी जो सपोर्टिंग कास्ट होती थी उनको अभी माइनस किया जाए, ताकि ये कोरोना का जब तक महामारी चल रही है उसमें क्या होता है, जो मेन कास्ट है उनको तो काम फिर भी लग रहा है जैसे भी है, लेकिन जो सपोर्टिंग कास्ट है, जो बेचारे वन डे टू डे या जो कैमियो करेक्टर करते हैं, उनकी हालत ज्यादा खराब हो गई है। तो उस चक्कर में सब लोग, पिछली बार भी जब मुंबई में ऐसा हुआ था तो सब लोग अपने अपने घरों को आए थे, पूरे इंडिया में हुआ था, तो उसके बाद भी अभी कभी कुछ ही लोग पहुंचे थे वहां वापिस मुंबई कि चलो यार काम धंधा जी, ढूंढते हैं। अभी वो शुरू भी सही ढंग से हुआ भी नहीं था, दोबारा से वही स्थिति बन गई, उससे भी अब तो बल्कि उससे भी बुरी बन गई है। तो बुरी अभी स्थिति ये हो गई लोग है। बहुत ज्यादा बुरी है, आर्टिस्टों की बुरी है, लेकिन कुछ समाज सेवी संस्थाएं पहले भी लोगों ने मदद की थी, आर्टिस्टों की मदद की थी, सिंटा ने भी, हमारी एसोसिएशन ने की थी, सलमान खान साहब ने की थी, अक्षय पाजी ने की थी, लेकिन उसके बावजूद भी वो भी कितना करेंगे, कोई भी आदमी कितना करेगा। अभी भी आज मैंने आज सुना है जो कब सिचुएशन बनी हुई है थापर जी, उसमें जी बहुत सारे ऐसे जो आपने बात की है कि कुछ बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके सामने रोटी खाने के भी लाले पड़ रहे हैं। पड़ गए हैं। पिछली बार भी बहुत लोगों ने, ईश्वर ना करे ऐसा किसी के साथ हो, आत्महत्या तक की नौबत आई है, क्योंकि क्योंकि मुंबई के अंदर खर्चे बहुत ज्यादा हैं और आमदनी होती है, तो वहां अगर बिना आमदनी के वहां पर रहना असंभव है, बहुत ज्यादा खर्चे हैं, यहाँ से ज्यादा 3 गुना ज्यादा खर्चा हर चीज का।
सबसे जी बड़ा तो जी आपको रेंट, वहां पर रेंट मार जाता है। उसके अलावा जो रेंट भी मार जाता है। सब्जियां या दालें हैं ना, यहाँ से डबल रेट मरे हैं वहां पर, डी मार्ट जैसे जगह में भी। आज मैं यहाँ कोई सब्जी या कोई लेने जाता हूँ तो कोई भी दाल 100, 110, 120 रुपए किलो में मिल जाती है, वहां पर 180, 90 से कम कोई भी दाल नहीं। ऐसी हर जी चीजों जी में लगाओ तो वहां पर रेट डबल है, तो वहां पर रहना इतना आसान नहीं होता है मुंबई जैसे शहर के अंदर, अपने आप को सर्वाइव करना, वो भी जब जब हम घर पर कुछ काम कर रहे हैं। अगर हम यही चीजें होटल या बाहर रेस्टोरेंट से मंगाएंगे तो वो और भी 4 गुना ज्यादा महंगी है, और वहां पर बिना काम के रहना असंभव है, मुश्किल है। और इसलिए सब लोगों को अपने अपने घर आना पड़ा। जो बड़े लोग हैं, जो बड़े बड़े काम किए हैं, उनको तो कोई दिक्कत नहीं आ रही, छोटे लोगों को सरकार दे देती है। दिक्कत हम लोग मिडिल क्लास की आ जाती है कि जी जी भीख मांग नहीं सकते, हाथ फैला नहीं सकते, सरकार हमें देगी नहीं, बड़े हम जी हैं नहीं जी जो हम जी साल जी दो जी साल अपने आप को सरवाइव कर लें। तो मुसीबत तो हम लोगों की जी हमेशा रही है और हमेशा ही रहेगी। जी जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप थापर जी। इस समय आईपीएल जो है कैंसिल हुआ है, जी, आपको क्या लगता है कि इससे जो जो भी कुछ प्रोड्यूस हो रहे हैं टीवी सीरियल्स, उनको कुछ फायदा मिलेगा? हाँ, उससे काफी फर्क मिलेगा क्योंकि सभी लोग घरों पर बैठे हैं। घर पर बैठ के और क्या करेगा आदमी, ज्यादा व्हाट्सएप, फेसबुक, इसके अलावा फिर उसके बाद टीवी एक माध्यम होता है हमारा मनोरंजन का। तो जो नए शो आएंगे उनको टीआरपी अच्छी मिल जाएगी, लेकिन वो भी तब होगा जब उसकी शूटिंग होगी। अगर जी जैसे अभी यूपी में ही सपोज करो कि शूटिंग 3 शिफ्ट हुई है, लेकिन यहाँ 3 से 4 दिन का फिर लॉकडाउन है, तो वो 3 दिन में, क्योंकि डेली, अभी पहले सोप डेली सोप आते थे, वीक में एक बार एक एपिसोड आता था, आज फिर 5 डे होने लगे, अभी 7 डे हैं कुछ चैनल पर, 7 days है तो जी। कुछ चैनल पर 7 डेज भी हैं। तो अपने आप को इतना शूट कैसे कर पाएंगे कि वो 7 के 7 दिन उस अपने सीरियल को चला पाए, तो वो भी एक समस्या आज नहीं तो कल आएगी। जिनके पास बैंक था वो खत्म हो जाएगा, तो फिर डेली बनाना और उसको टेलीकास्ट करना, उसमें और भी पोस्ट प्रोडक्शन में बहुत काम हो रहा है, डबिंग हो रही है। लास्ट टाइम तो ये सिचुएशन हो गई थी कि जो रिपीट टेलीकास्ट थे वो जी हुए जी थे, और जी रामायण बिल्कुल वही हुआ महाभारत था। इसको शुरू करना पड़ा था, लेकिन आप ये देखिए कि उसमें इतना इंटरेस्ट नहीं आता, प्लस उनको रेवेन्यू नहीं मिलता। नहीं मिलेगा ना, जो प्रोड्यूसर को तो कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि ये एक तो चैनल की प्रॉपर्टी हो जाती है, और चैनल उसको 10 बार दिखाए, 50 बार दिखाए, दूरदर्शन अगर कोई सीरियल बनाता है रामायण महाभारत, तो उन्होंने कुछ रेवेन्यू दी थी। लेकिन ये भला हो रामानंद सागर परिवार का, उन्होंने कहा कि नहीं हमें नहीं चाहिए, ये कोविड पीड़ितों में ही इनको कर जी दी गई जी है, थोड़ी बहुत देते हैं। लेकिन प्रोड्यूसर को इसमें कुछ मेरे हिसाब से मिलता नहीं है, ना ही फिर आर्टिस्ट को मिलता है। आर्टिस्ट तो एक बार करके उसको पर डे मिल गया, अपना वो घर बैठ गया, उसके बाद 200 बार चले, 400 बार चले। अब जैसे हमारा एक एक एपिसोड क्राइम पेट्रोल का 100 100 बार चलता है, 100 100 बार आता है। अब वो हमें तो एक बार जो मिल गया उन्होंने जो दे दिया, जाओ भैया ऐश करो, बाकी तो अब वो चैनल कमाएगा। अच्छा, एक चीज और है थापर जी, आप जैसे मुंबई से अभी बाहर हैं, अपने घर आए हुए हैं, लेकिन मुंबई से बाहर शूट करने में काफी मुश्किलें आती होंगी, जैसे मुंबई की लाइटनिंग है, इक्विपमेंट्स हैं, नॉन जी एक्टिंग जी जो टेक्नीशियन वगैरह हैं, उनका मिलना बाहर आके बहुत काफी मुश्किल हो जाता होगा। बहुत ज्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि यहाँ पर वो प्रोफेशनलिज्म तो होता नहीं है, वो सिर्फ शौकिया लोग आते हैं। तो वो जो मुंबई वाला जो टेक्नीशियन होगा, वो किसी भी फील्ड का हो, चाहे मेकअप दादा हो, आर्ट दादा हो, ड्रेस दादा हो, या सेटिंग वाले हो, तो वो यहाँ उस तरीके की चीजें नहीं मिल पाती हैं। लेकिन ये लोग जो प्रोड्यूसर, बड़े बड़े प्रोड्यूसर, वो तो झेल जाएंगे, अपने उन लोगों को मुंबई से ले भी आएंगे, लेकिन जो बेचारे छोटे छोटे एपिसोड बनाते हैं उनके लिए तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। और वो फिर वो ना तो वो मेकिंग में काम मजा आता है, ना वो आर्टिस्ट उनको उस तरह के मिल पाते हैं, क्योंकि अब वो जिसको 1 डे का काम है उसके लिए पता चला कि उसको लाने ले जाने में और रहने में खर्चा। अभी जितने भी शो अभी आगरा में हो रहे हैं, बकायदा साफ लिखा गया, मेरे को बोला था कि यार 1 डे 2 डे की कास्टिंग आप कर दो इधर, एक दो ने बोला मुझे, तो मैंने कहा ठीक है कर दें, लेकिन उन्होंने साफ लिखा कि हम ना तो उनको एकोमोडेशन तो देंगे नहीं, भैया आओ और जाओ। अब कोई भी आदमी आगरा में छूटा, मथुरा या मेरठ से कहीं जाएगा तो रात को कहाँ रुकेगा वो, अच्छा, तो बहुत उसके लिए वो सारे समझते हैं शूट ना। मैंने सुना है कि गुड़गांव में भी हो रहे हैं। गुड़गांव में भी हुए हैं, हो रहे हैं, वापी में हो रहे हैं, दमन में हो रहे हैं, गोवा में हो रहे हैं, जी गुजरात में एक जगह है अंकलेश्वर के पास राजपिपला, वहां से भी मुझे कॉल आई थी, मतलब वहां भी हो रहे हैं। अब मुंबई से बाहर शिफ्ट हुए हैं, लेकिन समस्या तो पूरे इंडिया में ही है ये कोरोना की, जी जी तो वहां भी अगर यही हालत रहेगी, भीड़ भाड़ बढ़ेगी, केसेस बढ़ेंगे, तो वो लॉकडाउन लगाएंगे, तो वहां भी समस्या तो आने वाले टाइम में। लेकिन अभी फिलहाल क्या है कि कम क्रू के साथ वो लोग शूटिंग कर रहे हैं, कम शूटिंग चलती रहे, काम होता रहे, काम चलता रहे, जब लोग काम जो चलता दर्शक रहना हैं वो चाहिए। बंधे रहे।
वो भी बंदे रहे, और ताकि जिनको हमें नहीं आया, हमें भी आया लेकिन हम नहीं जा रहे, अलग बात है, जिनको काम मिल रहा है उनको तो मिले बेचारों को, वो बेचारे काम करें, बेचारे कुछ भी करें, अगर जिस शहर में अगर शूट होगा तो वहां के लोकल लोगों को भी फायदा होगा उस चीज से, उनको काम भी मिलेगा और दर्शकों को भी फायदा होगा कि चलो उसका उनका मतलब पुराने रिपीट नहीं देखने पड़ रहे। जी। अच्छा, कोई ऐसा सीरियल हो जिसमें आप पहुंच नहीं पा रहे हैं और फिर उसमें स्क्रिप्ट में बदलाव किया गया हो आपके साथ? नहीं, अभी तो क्या मेरा जो गुंडी भागे ट्रैक था वो मेरा ट्रैक खत्म हो गया था पिछले महीने, और उसके अलावा जो भी मैं कर रहा था अभी पीछे, जैसे वेब सीरीज की या जो एपिसोडिक, जैसे क्राइम पेट्रोल है, सावधान इंडिया है, या जो भी दर्शकों हम लोग को थोड़ा एपिसोड, सा अपने आप क्या क्या काम कर रहे थे जो अब आपके बीच में ही रह गए उनके बारे में बताइए। जो मैं अभी लास्ट तो मेरा यही चल रहा था, इसमें मेरा एंट्री बार बार अप एंड डाउन हो रही थी, एक अनुपमा सीरियल एक बहुत बड़ा आज के डेट में नंबर वन पे चल रहा है, उसमें जी, पंडित का करेक्टर मेरा है, बीच बीच में आता रहता जाता रहा, एक किसका मैं करेक्टर है? साथ पंडित पंडित का है, जब भी उनके घर ओके, में कोई समस्या होती है तो मैं उनका राज पुरोहित हूँ, तो महीने में 2-4-5 दिन वो बुला लेते हैं, और दूसरा एक मेरा शो एपिसोडिक मैडम सर आता है सब टीवी पर, उसमें भी करेक्टर बीच बीच में आते हैं, वो भी मैं कर रहा था, लेकिन वो बीच बीच में आते हैं, तो अभी नहीं, अगर मैं नहीं हूँ तो वो नहीं आएंगे दूसरों को। अभी तीसरा क्राइम पेट्रोल है, उसमें हर बार एपिसोडिक होता है, वो करता था, सावधान इंडिया है, और कुछ वेब सीरीज हैं जो कि मैं कर रहा था जो अब आनी है, लेकिन वो कुछ शूट की है लेकिन वो जब ही आएंगी, अभी वेब सीरीज तो ओटीटी पर आ रही है, जैसे मेरी अभी फ्लिपकार्ट पर एक चल रही है बहुत बड़ी, काफी हिट है वो भी, कौन करके, उसमें भी किया है काम, और काफी सीरियल इस दौरान किए थे मैंने, लेकिन फिर सब कुछ फिल्में हैं, फीचर फिल्म, लेकिन वो सब शूटिंग बीच में रुक गई सब कोई कोई ऐसा दोबारा। काम जो कोरोना की वजह से आपका अब बीच में अधर में लटका हुआ है, व्यूअर्स जानना चाहेंगे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, कोरोना की वजह से कुछ जो भी काम था मैं सब, लास्ट काम मेरा 15 में था तो वो मैं निपटा के 14 में, मैंने ऐड इस दौरान मैं ज्यादा कंटिन्यूटी शो मैंने नहीं लिए है, मैं सारे ऐड कर रहा हूँ, फिल्म्स कर रहा हूँ, वेब सीरीज कर रहा हूँ या एपिसोडिक कर रहा हूँ, तो उसमें क्या होता है, फिल्म है जब होगी तो होगी, वेब सीरीज है जब होगी, जब सब सही होगा तो तब करेंगे, उनको कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत आती है जब आप कंटिन्यूटी शो में कर रहे थे, कंटिन्यूटी शो में कुंडली भाग्य कर रहा था मैं, लेकिन वो मेरा ट्रैक खत्म हो गया, इसलिए अभी मुझे कोई वो नहीं, अभी दो एक शो की बात चल रही है, लेकिन मैं भी नहीं चाह रहा कि अभी, एक बुला रहे थे राज पेपला में, मुझे एक शो है कोई है उसके लिए, और एक आगरा में, लेकिन मैंने कहा नहीं यार, इसलिए कंटिन्यूटी शूट अभी नहीं कर रहा हूँ मैं, क्योंकि वहाँ भीड़ होगी, सब कुछ प्रॉब्लम होगी, जब तक महीना जी 1.5 महीना बिल्कुल 2 महीने निकल जाए फिर करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, अभी समय निकालने पहले पहले 1.5-2 महीना ये जो है, जो बिल्कुल। मुश्किल समय इसे जी, निकाल लेते हैं क्रूशियल तो उसके बाद देखेगा। टाइम है जी। जी लॉकडाउन और मुंबई में जो शूटिंग को लेकर के लगातार वहां की सरकार जो जी है टच में है, मुंबई में शूटिंग को लेकर के जी पाबंदी अभी कायम है, तो सरकार से उन्होंने अनुरोध किया है कि वो बायो बबल में शूटिंग की जी उनको परमिशन दी जाए। तो जी आप थोड़ा बताएंगे दर्शकों को कि ये शूटिंग किस तरीके से होगी? ये कह तो रहे हैं कि प्रोड्यूसर भी बाकी लोग भी, बायो बबल, मैंने जहां तक सुना है, जितना मुझे ज्ञान है इस चीज का, उसमें क्या होता है, ये बायो बबल एक, जिस तरह से इस बार आईपीएल के मैच और इंग्लैंड की सीरीज हुई थी बायो बबल में, जी हेलो, जी ओ बीच में कोई फोन आ गया था, ये बायो कोई बबल बात क्या नहीं। होता है कि जैसे कुछ मैच अभी बायो बबल में हुए थे, इंग्लैंड की सीरीज भी बायो बबल में हुई थी, मैंने जितना सुना है उसके बारे में, बायो बबल क्या होता है कि एक सेफ जोन होता है, सेफ जोन के अंदर उन्हीं लोगों की एंट्री होती है जो पहले कोविड का नेगेटिव टेस्ट उनका होगा, और फिर उसको उसी जोन में ही रहना पड़ेगा जहां वो सेट कर दिया जाएगा, और उस जी जोन के अंदर सिर्फ वही लिमिटेड लोग, जी जी आप फोन को बंद कर दीजिए। उस जोन, फोन कैसे बंद होगा फिर, ये कैसे बंद, समझ नहीं आ रही, चलिए खैर मैं उसको काट रहा हूँ बार बार, अभी उसको समझ नहीं आ रही, यहाँ असल में जी, मेरठ वालों में एक बड़ी बड़ी प्रॉब्लम है कि एक बार काट रहा, इसीलिए तो आपको बहुत याद आती है मेरठ वालों की, मुंबई में। हेलो हेलो, जी, सुन पा रहे हैं? हाँ हाँ जी मैं सुन पा रहा हूँ, बायो बबल होता है कि ये बायो बबल में जिस तरह से अभी मैच हुए हैं उस तरह से बायो बबल में शूटिंग करने का सुझाव रखा गया है, वो क्या होता है, एक सेफ बायो जोन बबल में होता है, मैच हुए हैं लेकिन वहां तो कई लोग कोरोना पॉजिटिव आ गए हैं। उसके बावजूद भी कोरोना पॉजिटिव हुए हैं, वो मैं बताता हूँ, वो क्या होता है, बायो बबल एक सेफ जोन होता है, सेफ जोन, सेफ साइड के अंदर आपको वो काम करना होता है, उसके अंदर जो जो भी व्यक्ति उस बायो बबल में जाएगा
उसको पहले तो अपने कोरोना की नेगेटिव रिपोर्ट दो बार, एक बार नहीं दो बार कराकर अंदर जाना पड़ेगा, फिर उसको उसी जोन में रहना पड़ेगा, उसके लिमिटेशन होंगे, ये एक किस्म से आइसोलेशन जैसे होम आइसोलेशन है उसी तरह का ही एक आइसोलेशन समझो, उससे मिलता जुलता ही सेट जो है पूरा वो आइसोलेशन हो जाएगा, आइसोलेशन हो जाएगा, आइसोलेट हो जाएगा, और आपको उसी ब्लॉक में रहना पड़ेगा, उसी ब्लॉक में जैसा वो चाहेंगे वैसा होगा, मतलब एक किस्म से पूरी तानाशाही हो जाएगी और उस तरीके से आपको शूट करना। अगर आपको अपने परिवार से भी नहीं आप मिल सकते, किसी रिश्तेदार से, किसी कोई आपका जान पहचान वाला भी कहे कि मुझे शूटिंग दिखानी है, भाई नमस्ते, कोई नहीं आ सकता उस जोन के अंदर। और उसके बाद अगर आपको किसी वजह से बाहर आ भी आ गया आपकी भी मेरे को बहुत मजबूरी है, मेरी प्रॉब्लम है, तो फिर आपको दोबारा से नेगेटिव टेस्ट करा के जाना पड़ेगा, जब तक दो बार फिर नहीं हुआ फिर आप, मतलब एक सेफ साइड है। लेकिन ये भी जरूरी नहीं है कि आज मुझे जिस दिन मैंने टेस्ट कराया, अब जैसे पीछे प्रॉब्लम हो रही है यहाँ पर भी, टेस्ट मैंने कराया आज मुझे कहीं एयरपोर्ट पे कहीं जाना है सपोज करो, या कहीं ट्रेन में जाना है, ट्रेन वाले बोलते हैं 72 आवर्स पहले आपका टेस्ट होना चाहिए तब आप एयरपोर्ट आ सकते हैं। अब ये लोग जब मैं टेस्ट कराता हूँ 72 आवर्स के बाद देंगे रिपोर्ट, तो वो तो रिपोर्ट किसी मतलब की रही नहीं ना, तो मतलब ये तो वो लोमड़ी वाली दावत हो गई कि दावत भी और खा भी नहीं सकते, फायदा ही कुछ चीज का उसका मतलब है नहीं। तो मतलब इस तरह की सरकार नियम बना रही है जिसका कोई हल ही नहीं है, मतलब वो कहते हैं ऐसा आदमी ढूंढ के लाओ जो लंबे लंबे बाला वाला हो और गंजा भी हो, अरे ऐसा कैसे हो सकता है, पॉसिबल थोड़ी है वो। जी जी सही, पंजाबी जी कहते हैं ना आटा गूंदे हिलदी क्यों है, और यार आटा गूंदे ही हिलेगी हो भाई, तो मतलब ऐसी चीजें कर रहे हैं कि ना वो हो सकती है ना होने वाली है, तो मतलब इस तरह की समस्याएं आ रही हैं। और अब कोरोना, कोरोना ने हमारी पूरी लाइफ जो है एकदम से डिस्टर्ब कर दी है, और आप ऐसे माहौल में क्या कहना चाहेंगे व्यूअर्स जो आपको देख रहे हैं, जो आपको बहुत पसंद करते हैं, मैं जो हर तीसरे सीरियल में आपका फेस देखते हैं? मैं सबसे पहले तो उन सबका आभार व्यक्त करना चाहता हूं, धन्यवाद देता हूं कि वो मुझे इतना प्यार, इतना सम्मान, इतना स्नेह देते हैं। उनके लिए मैं यही कहूंगा कि अगर आप ना होते तो हमें गजल कौन कहता, और हमारे इस चेहरे को कमल कौन कहता, ये तो करिश्मा है हुजूर मोहब्बत का, वरना हम पत्थरों को ताजमहल कौन कहता। और मैं ईश्वर वाहेगुरु परमपिता परमेश्वर से बस एक ही बात कहता हूँ कि जान दी है तो जीने का हुनर भी देना, जान दी है तो जीने का हुनर भी देना, पांव बख्शे हैं तो तौफी के सफर भी देना, मैं तो गूंगा था बोलना तूने सिखाया है, अब मैं बोलूँ तो मेरी बातों में असर भी तू ही देना। और जहाँ तक मेरे दोस्तों की दर्शकों की बात है, मैं उनसे बस हाथ जोड़कर नम्र निवेदन करना चाहता हूँ कि प्लीज अपने आप को सुरक्षित रखें, बहुत विकट समय चल रहा है इस वक्त पूरे दुनिया का, घर पर रहें, सुरक्षित रहें, सेफ रहें, और सरकारी नियमों का पालन करते रहें, बार बार हाथ धोते रहें, और घर से बाहर तभी निकलें जब आपको राष्ट्रपति स्तर का कोई जरूरी काम हो, उससे पहले ना जाएं, और बाहर भी जाएं तो दूरी को मेंटेन करके रखें, मुंह पर मास्क बांध कर रखें, और बहुत भीड़ भाड़ में कम जाने की कोशिश करें, अभी दूरी ही आपकी समस्या का समाधान है, और कोशिश करें घर पर रहें और सेफ रहें, बस ईश्वर वाहेगुरु परमपिता परमेश्वर सबको सुरक्षित रखे, सेफ रखे, मस्त रखे और व्यस्त रखे बस। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका मेरे साथ जुड़ने के लिए, फिर मिलते हैं किसी और टॉपिक पे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। जय हिंद जय भारत, शुक्रिया। बस एंड में एक लाइन और बोलना चाहता हूँ कि मिट्टी है तो पल भर में बिखर जाएंगे हम, मैं अपने लिए बोलता हूँ कि मिट्टी है तो पल भर में बिखर जाएंगे हम, खुशबू है तो हर दौर को महकाएंगे हम, हम रूहे सफर हैं हमें नामों से ना जान, कल फिर किसी और नाम से आ जाएंगे हम। जय हिंद जय भारत।